हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आज का हमारा टॉपिक है स्टमक, उसका अदर नेम है गैस्ट्रो। सो स्टमक इज़ अ मस्क्यूलर बैग। ये मस्क्यूलर बैग है जो फॉर्म करती है वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और स्टमक लाई करता है इन अपर एंड द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, द एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन्स। जो हमारे 9 क्वाड्रेंट्स है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब ये ऑब्लिकली थोड़ा लाई करता है और अपर एंड द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में, एपिगैस्ट्रिक रीजन में, अम्बिलिकल रीजन में एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। स्टमक ये जे शेप्ड बैग होता है और ये दिस कैन बी स्टडीड इन लिविंग बाई रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन आफ्टर गिविंग ए बेरियम मिल इन लिविंग ऑर्गेनिज। मतलब कि हम अगर लिविंग बींग को बेरियम मिल देंगे उसके बाद हम स्टमक का पूरा शेप देख सकते हैं इन रेडियोग्राफी आफ्टर बेरियम मिल, इनटेक ऑफ बेरियम मिल। सो ये स्टमक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये 1.5 to 2 liters और उससे ज़्यादा भी हो सकता है इन एडल्ट कैपेसिटी। ये इसकी स्टमक की कैपेसिटी है 1.5 to 2 liters। ओके सो चलिए हम देखते हैं एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स में आएंगे दो ओरिफिसेस। ओरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग। दो ओपनिंग है इसकी, दो कर्वेचर्स है, दो सरफेस है एंड टू पार्ट्स। सो चलिए पहले दो ओरिफिसेस, दैट इज कार्डियक एंड पाइलोरिक ओरिफिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियक, ये लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस पे होता है एंड अपर पार्ट ऑफ स्टमक। ये लाई करता है बिहाइंड द 7th कोस्टल कार्टिलेज एट T11 वर्टिब्रा होता है। और जो पाइलोरिक ओरिफिस होता है वो ओपन होता है इनटू ड्यूओडेनम और ये 1.25 सेंटीमीटर टू राइट ऑफ द मीडियन प्लेन एट L1 वर्टिब्रा। जो मीडियन प्लेन है उसकी 1.25 सेंटीमीटर राइट में होता है एट L1 वर्टिब्रा। देन द नेक्स्ट वन इज टू कर्वेचर्स। सो दो कर्वेचर है, लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर। जो लेसर कर्वेचर होता है वो कॉनकेव होता है, वो हमने फिगर में देखा था ना। सी सो ये कार्डियक एंड हो गया, ये पाइलोरिक एंड हो गया, ये लेसर कर्वेचर हो गया, ये ग्रेटर कर्वेचर हो गया। सो लेसर कर्वेचर ये कॉनकेव होता है एंड फॉर्म्स द राइट बॉर्डर ऑफ द स्टमक। स्टमक की राइट बॉर्डर फॉर्म करता है और यहाँ पे एंगुलर नॉच होती है। और ये ग्रेटर कर्वेचर होता है, ये कॉन्वेक्स होता है और ये फॉर्म करता है लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टमक, दैट इज कार्डियक नॉच यहाँ पे ये। द नेक्स्ट फीचर इज टू सर्फेसिस, दैट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सी ये आगे से हम देख रहे तो एंटीरियर, पीछे से देखेंगे तो पोस्टीरियर। एंटेर और सुपीरियर, ये फॉरवर्ड्स एंड अपवर्ड्स एंड पोस्टीरियर इन्फीरियर बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। द नेक्स्ट इज टू पार्ट्स, तो इसके दो पार्ट्स हैं कार्डियक पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक में आएंगे और कार्डियक में होंगे और दो डिवीजन, दैट इज फंडस एंड द बॉडी। सी यहाँ से इतना पार्ट है ना, ये फंडस का है और ये पूरी बॉडी। सो पहले ये पार्ट देखते हैं फंडस का। सो ये अपर कॉन्वेक्स डोम शेप्ड होता है और ये सिचुएटेड होता है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन एट द लेवल ऑफ कार्डियक ओरिफिस। मतलब ये सी ये कार्डियक ओरिफिस है, यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर ये डोम शेप्ड है, इसको हम बोलते हैं फंडस ऑफ द स्टमक। द नेक्स्ट वन इज बॉडी। सी हियर इट इज बॉडी और ये लाई करता है बिटवीन द फंडस एंड पाइलोरिक एंटरम, डिस्टेंडेड एनॉर्मसली एंड सेक्रेटरी सेल्स लाइक म्यूकस सेल्स, चीफ सेल्स, पेप्टिक सेल्स, पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स। मतलब यहाँ से यहाँ तक पाइलोरिक एंटरम तक बीच का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बॉडी। ओके नेक्स्ट हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। ओके डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।